जय गौ माता, जय गोपाल। आज के ब्लॉग की शुरुआत कपिला माता कर रही है। हमने कपिला के खुर बनवाए हैं। इसके खुर बहुत बड़े बड़े हो गए थे और फटने लग गए थे और इसको चलने में भी थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो कल हमने खुर बनाने वाले को बुलाया और इसके खुर बनवाए। दिखाती हूँ वह कैसे इसके खुर बना कर गया। ये देखिए, ये खुर बनाने वाला आया हुआ है और कपिला गाय के हमारे खुर बना रहा है। देखिए, ये थोड़ा पाँव तो मार रही है खुर बनवाते हुए। देखो, हमने ये एक्सपर्ट था वो बुलाया है खुर बनाने में। ये कहता है बहुत एक्सपर्ट है और कच्चा नखून भी नहीं काटता, गौ माता का बहुत अच्छे से काटता है, तो इसलिए हमने इसी बुलाया था। और ये गौ माता के अब खुर बना रहा है। जो फालतू के नखून थे, बड़े बड़े हो गए थे, उनको काट रहा है। देखो, ये बनाने लग रहा है। इस तरह से हमने गौ माता के खुर बनवाए। भाई मैं बताऊं, कौन खत्म है क्या बन भी तो है ना भाई, डेढ़ दो महीने की भाई, चाहे एक दिन की हो, हम तो चार पांच दिन है जो उसने भी नु करांगे जमा आराम से। देखिए, अब कपिला माता के चलने में तकलीफ नहीं होती। और ये खुर देखो कितने अच्छे से बना के गया है, बिल्कुल शेप में अच्छे से बना के गया है। आप लोग बताना, आप लोगों को खुर कैसे लगे, सही बने हुए हैं या नहीं। आज मैं इस खेर को साफ कर रही हूँ क्योंकि इसमें कीड़े हो गए थे। एक दिन मैं इस खेर को साफ कर देती हूँ और एक दिन इसको, जब इसमें पानी कम रह जाता है तो इसको साफ कर देंगे और जब इसमें पानी कम रह जाता है तो इसको कर देते हैं। आज इसको साफ करके सुखा देंगे और जब इसमें पानी कम रह जाएगा तब इसमें भर देंगे, तो इससे कीड़े नहीं होते और पानी भी हमारी गौ माताओं को साफ मिल जाता है। अब इस खेर को देखो, मैंने साफ कर दिया है, ये सूख जाएगी, फिर इसको दो दिन बाद पानी से भरेंगे, दो दिन में वो खाली हो जाएगी। देखो, हमारे खूब तोरियां लग रही हैं इस तरह से। देखो, यहाँ पे, वहां पे, यहाँ पे, रोज की तोरी एक सब्जी की तो आराम से दे देती है। ये देखो कितनी फैली हुई है, इधर देखो कितनी फैली हुई है तोरियां, आराम से तोरियां उतरती हैं खूब सारी और हम खूब सब्जियां बनाते हैं अपने घर की तोरियों की और देते भी हैं औरों को। खूब तोरियां खाते हैं सब और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तोरियां तो खूब लगी रही हैं, इसके साथ साथ अब घिया लगनी भी देखो शुरू हो गई है। ये हमारी घिया की बेल है, इधर दिखाती हूँ, अब छोटी छोटी घिया बनने लग गई है। देखो, अब घिया बननी भी स्टार्ट हो गई है। इधर घिया बन रही है, ये छोटी सी है, इधर ऊपर भी बन रही है। अब ये घिया बननी और स्टार्ट हो गई है। ये भी हमारी घिया की बेल है एक और। इधर घिया है और इस साइड तोरी है। देखो कितनी लंबी लंबी बेलें गई, उस छात तक चली गई तोरी की बेल तो, और उधर भी है तोरी। इधर ये नन्नू गौ माता के बच्चे के साथ खेलने के लिए आ गई है। इसको, इसके साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये इसको अपने जैसा ही लगता है, छोटा ही है ये भी। और उधर तो हमारे सारी गौ माता इससे बड़ी है, तो इसको वो तो बड़ी बड़ी लगती हैं। ये इसके साथ खेल के बड़ी खुश रहती है। वो देख, नैना उसकी माँ से प्यार कर रही है। नैना उसकी मम्मी से प्यार कर रही है क्या, देवकी से? देखो, ओ नैना किससे प्यार कर रही है? ये देव की मम्मा है, तेरी पिटाई कर देगी, देव से प्यार करती है ये। देव इधर देख,
नन्नू कहाँ घूम रहा है देव? ओ देव कुद्दा, नैना देव के साथ बहुत देर खेल ली, देखो अब लेके आई इसे वापिस तो ये वापिस आ ही नहीं रही थी। इसका मन वहीं पे लगता है, बड़े मुश्किलों से लाना पड़ता है इसको। मेरा दौरा होगी। राधिका देखो खुजली के लिए आ रही है। हाँ खुजली करवानी है। हाँ माता खुजली के लिए आती है ये माता तो पास में। अक हाथ फेर मेरे पे, इसको बड़ा मजा आता है हाथ फिरवाने में, है ना माता? हाथ फिरवाने के लिए आती है क्या तू? सब कुछ छोड़ छाड़ के यूं दिख जाएगी ना मैं खड़ी हूं तो आएगी दौड़ के। अब खुजली कर दे मेरे, इसको यूं पता ही है खुजली कर देगी, है ना राधिका? तेरे को यूं पता है क्या मैं खुजली कर देती हूँ तेरे, हैं? इसलिए आती है मेरे पास। वो देखो माँ बेटियों का प्यार। नन्नू।